शिवरात्रि के पावन मौके पर उत्तम नगर के हस्ताल गांव विद्या विहार में भगवान शिव की बारात निकाली गई। आपको बता दें, शिवरात्रि के दिन विद्या विहार में भगवान शिव की बारात श्री सनातन धर्म मंदिर हस्ताल गांव से शुरू होकर पूरे क्षेत्र में घुमाते हुए वापस सनातन मंदिर पर समाप्त की गई। यहां पर भगवान शिव जी व पार्वती की वरमाला कराई गई। इस बारात को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों की संख्या में लोग इस बारात में शामिल हुए। इस बारात में कई झांकियां भी निकाली गई। वरमाला के बाद सभी भगवानों का मंचन भी किया गया। इस कार्यक्रम के संचालक कमल जैन और भाविक जैन रहे। इस मौके पर निगम पार्षद अशोक सैनी और दिल्ली विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक महेंद्र यादव भी मौजूद रहे व कार्यक्रम को सफल बनाया। जैसे हम लोग अपने घरों में शादी के अंदर स्वागत करते हैं फूल और पत्तियों के साथ, उसी तरह की भव्य नवरात्रों में भी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महाशिवरात्रि के पर्व पर हस्तसाल गांव में विद्या विहार के अंदर बहुत बड़ी शिव विवाह की झांकी निकाली जा रही है, जिसके संस्थापक हैं कमल जैन जी। हम कमल जैन जी से बात करते हैं कि किस प्रकार से वो आयोजन करते हैं और किस प्रकार से करते हैं। कमल साहब बहुत बहुत स्वागत है CNN न्यूज में आपका। कमल साहब, झांकी निकाली है शिवरात्रि के महापर्व पर आपने, भोलेनाथ का बहुत बड़ा यहाँ पर विशाल जयंती के रूप में आपने ये झांकी निकाली है, किस प्रकार से निकाली है? सर, अपनी खुशी के लिए, भोलेनाथ के आशीर्वाद की वजह से, भोलेनाथ का आशीर्वाद है, इस वजह से अपने गांव के इसके लिए एक मन की खुशी के लिए निकाली है। कितने समय से आप ये दूसरी दफे है। कितने लोग जुड़े हुए हैं आपके साथ इस संस्था को बनाने में? जुड़े हुए पूरा गांव, समस्त गांव इस संस्था का जुड़ा हुआ है। अभी इन गांव वालों को, देशवासियों को महाशिवरात्रि के पर्व पर क्या संदेश देना चाहते हैं? शुभकामनाएं देना चाहते हैं भोलेनाथ की तरफ। अभी हमारे साथ कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, राजेश जी से। राजेश जी, आज महापर्व का समय है, शिवरात्रि का समय है, बहुत बड़ी झांकी हस्तसाल से निकाली जा रही है, क्या कहते हैं इस मौके पर? सबसे पहले तो सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जिस तरह से जैन साहब इस साल नहीं, काफी सालों से इस काम को हस्ताल गांव के आसपास के पूरे एरिया में महाशिवरात्रि के पर्व पर भगवान भोले और पार्वती की जो शादी है, तो पूरी बारात को ले जाने का काम जैन साहब काफी सालों से कर रहे हैं। अब बड़े धूमधाम से आप देख रहे हैं, कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी जो झांकी का ये पूरा सैलाब चल रहा है, उसके साथ पूरे गांव के लोग इकट्ठे होकर चल रहे हैं। इस पर्व को बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं यहाँ पर, और हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। और इस पर्व को, इस बारात के मौके पर हम इसको पूरे तहे दिल से इसको एंजॉय करते हैं, और भोले के बराती बनकर हम लोग आज के टाइम पूरे गांव का भ्रमण करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी से हैं, आप अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी से, और राजेश जी, आज महाशिवरात्रि का पर्व है, सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं एक ही संदेश देना चाहूंगा, जिस तरह से भगवान भोलेनाथ ने कभी देखेंगे, कभी छुआछात, कभी ऊंच नीच, और किसी भी धर्म की राजनीति में जो आज के टाइम में देश का माहौल चल रहा है, उस माहौल को देखते हुए कहूंगा कि सभी ईर्ष्या को, सभी द्वेष को, ऊंच नीच को, और धर्म की जो एक दीवारें बनी पड़ी है, इन दीवारों को तोड़ के भारत देश जैसे इकट्ठा होकर एक मजबूती में रहा करता था, उस तरह से एकता बनाए रख के सभी धर्मों के लिए, कोई भी भगवान कभी नहीं कहता कि आप दूसरे इंसान से दूर रहे, हर धर्म ये कहता है कि आप प्यार मोहब्बत इंसानियत से एक दूसरे मिलजुल कर रहे, उसी धर्म की आवाज को पहचान कर, इंसानियत की आवाज को पहचान के आप सबको मिलजुल के एक एकता में जिस भारत हम देखना चाहते थे, उसी भारत देश को मनाए, ताकि आपके अच्छी तरह एक माहौल बन सके, एक अच्छा मैसेज जा सके। अभी आप सुन रहे थे राजेश जी को, जिन्होंने कहा कि पूरा देश इन संस्कारों को समझे, भोलेनाथ की कथा को समझे और इनके रास्ते पर चले, ताकि जिंदगी फिर से खुशहाल हो पाए लोगों की और भारत अखंड भारत बन पाए। विकासपुरी विधानसभा से जो विधायक हैं महेंद्र सिंह जी, वो अभी भी उनको वरमाला पहनाकर स्वागत कर रहे थे, उनसे हम बात करते हैं कि किस प्रकार से महाशिवरात्रि का त्यौहार मना रहे हैं। बहुत बहुत बधाई देता हूँ सबको, आज शिवरात्रि का महापर्व है,
शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, भोले बाबा की कृपा सब पे बनी रहे, सब खुश रहे, देश में अमन हो, चैन हो, भाईचारा हो, बस यही भोले बाबा से दुआ करता हूँ। ये जो भगवान राम के जो नाम पे जो शोर मचाते हैं ना, उनको भोले बाबा उनको थोड़ी बुद्धि देना, ये भगवान का नाम अच्छी जगह लिया जाता है, दंगा फैलाने के लिए भगवान का नाम नहीं लिया जाता। आज 21वीं सदी में 2020 आ चुकी है, 2020 चल रही है, आज महाशिवरात्रि है यहाँ पर। अभी आप, मैं देख रहा था कि आपने वरमाला डालकर स्वागत किया भोलेनाथ का, तो क्या कहते हैं कि आने वाला समय दिल्ली के लिए क्या होगा? मैं आने वाला समय लोगों के लिए अच्छा हो, मैं यही कामना करना चाहता हूँ और उनको कहना चाहता हूँ कि भगवान के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, विकास करें, देश में विकास हो, देश में अमन हो, भाईचारा हो, शांति हो, यही कहना चाहता हूँ। जो भगवान राम के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश करते हैं उनको कहना चाहता हूँ ये ऐसी घटिया राजनीति ना करें। अभी आप देख रहे थे कि विधायक हैं विकासपुरी विधानसभा से महेंद्र सिंह यादव जी, जिन्होंने कहा है कि श्री राम के नाम पर दंगा फैलाने की कोशिश ना करें, श्री भोलेनाथ की कृपा से उनको सही से जगह मिले और सही से सोच मिले। कैमरा पर्सन महेंद्र सिंह के साथ कुंपन प्रसाद, जीएनएन न्यूज़ दिल्ली।